चलिए स्टार्ट करते हैं नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 22 जो टैक्सेस के ऊपर है इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन काफी है थोड़ा टेक्निकल है देखिए ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि इनकम टैक्स जो होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए

इनकम टैक्स के अंदर पी होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बाकी अदर सोर्सेस वगैरह भी होते हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है पांच लाख हो सकता है आपकी अकाउंटिंग में प्रॉफिट आ रहा है तीन लाख तो दोनों में अलग अलग हो सकता है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होती है अकाउंटिंग में अलाउड होती है कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंटिंग में अलाउड नहीं है इनकम टैक्स में अलाउड है तो ये सारी चीजें फर्क लाती तो क्या ऑब्जेक्ट है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर टैक्सेस ऑन इनकम एडिशनली अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इज डिटरमाइंड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द इनकम टैक्स अभी तक हम क्या करते थे अकाउंटिंग का प्रॉफिट कंप्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया और इनकम टैक्स में जो प्रोविजन बनाया इनकम टैक्स वो हमने अकाउंटिंग में

लेकिन पता चला एक्चुअल में इनकम टैक्स एक्ट में आपका जो टैक्स निकल कर आया है तो इनकम टैक्स में तो बहुत सारी चीजें हैं इनकम टैक्स में तो डिडक्शन भी होती हैं बहुत सारी चीजें होती है प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंटिंग में अलाउड होता है इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता डेप्रिशिएशन का रेट इनकम टैक्स में अलग होता है अकाउंटिंग में अलग होता है मेथड भी अलग अलग होता है तो पता चले इनकम टैक्स में टैक्स आ रहा है दो लाख और यहां आना चाहिए डेढ़ लाख तो क्या करें भैया पहले हम क्या करते थे हम इनकम टैक्स यहाँ लिखते थे लेस टैक्स हम कहते थे इनकम टैक्स में जो टैक्स है वो दो लाख है तो लेकिन क्या ये दो लाख इसका तीस परसेंट है नहीं है तो ये तो बात ठीक नहीं हुई तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बीच का रास्ता निकाल

मेरा दो लाख रुपए दे रहा हूं होना चाहिए डेढ़ लाख तो एक तरीके से पचास हजार क्या है प्रीपेड तो सही हो जाएगा ना अकाउंट टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूड ऑल डोमेस्टिक एंड फॉरेन टैक्सेस विच आर बेस्ड ऑन टैक्सेबल इनकम टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूड टैक्स पेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड वो तो हट भी गया है एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एंटरप्राइज तो so, डेफिनेशन में अकाउंटिंग इनकम या लॉस का क्या मतलब है इज द नेट प्रॉफिट और लॉस एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बिफोर इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स सेविंग और टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब है इज द अमाउंट ऑफ इनकम और लॉस फॉर द पीरियड डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉ बेस्ड अपॉन द इनकम टैक्स पेपल तो ये इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट है उसे टैक्सेबल इनकम और जो अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट है उसे अकाउंटिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस या सेविंग क्या है एग्रीगेट ऑफ करंट टैक्स टैक्स एंड चार्ज क्रेडिटेड टू आपको याद है जब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं तो उसमें लाइबिलिटी में डिफर्ट टैक्स अट डिफर टैक्स लाइबिलिटीज नेट आता है और असैट में डिफर्ट टैक्स असेट नेट आता है वो तो टैक्स की वजह से ही है तो ये क्या कहता है मान लिया इनकम टैक्स दो लाख है और अकाउंटिंग का टैक्स डेढ़ लाख है तो ये कहता है डेफर टैक्स अब करिए एक चालीस है तो डेफर टैक्स तो डेफर टैक्स आता है असैट लाइबिलिटी इसलिए होता है सैटेल लाइबिलिटी क्योंकि वो प्लस या माइनस हो जाता है करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इन रेस्पेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ये जो हमारा करंट है current tax, तो तो का मतलब क्या है है जो हमारा taxable income पर है. तो हमारा पर में पांच लाख रुपए आया उस पर बीस परसेंट टैक्स रेट है मान लिया एक लाख आ गया डेफर टैक्स क्या है डेफर टैक्स इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस अब ये टाइमिंग एंड परमानेंस दो टाइप के डिफरेंस होते हैं ये क्या होते हैं इसको समझना जरूरी है देखिए अकाउंटिंग में और टैक्सेशन डिफरेंस आता है प्रॉफिट प्रॉफिट अलग अलग आता इसमें एक लाख आ रहा है अस्सी हजार आ रहा है रीजन हमने पता किया तो रीजन पता चला कि यहां पर डेप्रीशिएशन का फर्क आ रहा यहां चालीस हजार डेप्रीशिएशन लिखा था यहाँ साठ हजार लिखा था जो बीस हजार का फर्क था वो प्रॉफिट पर आ रहा है तो जो डेप्रीशियशन है ये टाइमिंग डिफरेंस है क्यों डेप्रिशिएशन का रेट अलग होने की वजह से टाइमिंग अलग होने की वजह से अकाउंटिंग में डेप्रीशियेशन अभी कम है अगले साल हो सकता है ज्यादा हो जाए टैक्सेशन में अभी हो सकता है ज्यादा अगले साल कम हो जाए हो सकता है हम यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं यहाँ डब्ल्यू डी भी लगा रहे हैं डब्ल्यू डी भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो फ्यूचर का डिप्रिसिएशन टैक्सेशन में कम हो जाएगा इसमें सेम रहेगा तो वो थोड़ा सा अलर्ट पलट हो रहा है टाइमिंग का डिफरेंस है तो ये होते हैं टाइमिंग डिफरेंस जैसे डेप्रीशियेशन का रेट हो गया सबसे ज्यादा डेप्रिशिएशन ही आएगा एक होता है परमानेंट डिफरेंस परमानेंट डिफरेंस क्या होता है इनकम टैक्स में कोई खर्चा अलाउड या डिसअलाउड है और रिवर्स है अकाउंटिंग में मलिया अकाउंटिंग में कोई खर्चा अलाउड है और इनकम टैक्स में कभी भी अलाउड नहीं होता वो तो कभी भी वो आएगा ही नहीं तो उसे हम बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस तो उस परमानेंट डिफरेंस को हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे इस इक्वेशन में परमानेंट डिफरेंस को कंसीडर नहीं करेंगे तो जो डिफरेड टैक्स है वो टाइमिंग डिफरेंस वाला लेंगे क्योंकि तो हम ये कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड टाइमिंग डिफरेंस वाली आइटम की वजह से परमानेंट डिफरेंस तो कभी रिवर्स होगा ही नहीं तो उसको नहीं करना है तो जो डिफरेंस आ रहा है टैक्सेबल इनकम में और अकाउंटिंग इनकम में वो दो रीजन है एक परमानेंट और एक टाइमिंग तो टाइमिंग डिफरेंस क्या है टाइमिंग डिफरेंसेस आर द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर अ पीरियड दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड एंड इट विल बी रिवर्सल रिवर्सल इन द वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड तो अगर इस साल को डिफरेंस है तो आने वाले एक दो सालों में वो रिवर्स हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल मशीनी परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च याद करो सेक्शन 35 सेक्शन 35 फाइव का इनकम टैक्स में कहता है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप कैपिटल लेचर खर्चा करते हैं तो भी वो 100 परसेंट अलाउड हो जाता है लेकिन अकाउंटिंग में तो 100 परसेंट अलाउ नहीं है उस पर तो नॉर्मल डेप्रीशिएशन रहेगा तो धीरे धीरे आने वाले सालों में अलाउ हो जाएगा ठीक है तो तो ये फर्क रहता है जैसे मैं बता रहा था साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम लोग अकाउंटिंग में आ, जो रहता है के अंदर वो हम क्या करते है? दीरे, दीरे, दीरे लगाते हैं हैं धीरे-धीरे धीरे लगाते और इनकम टैक्स में साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो हमारा आ, कोई भी एसेट होता है उस पर हंड्रेड परसेंट डिडक्शन उसी साल मिल जाती है सेक्शन थर्टी फाइव है अगर आपने इनकम टैक्स में पढ़ रखा है तो फुली अलाउड होता है फर्स्ट ईयर में इनकम टैक्स में लेकिन वो अकाउंटिंग में धीरे धीरे उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान हमें मिलता है टोटल डेप्रीशियन चार्ज ऑन द मशीनरी फॉर अकाउंटिंग अल्टीमेटली अल्टीमेटली चाहे अभी नहीं पांच साल दस साल में टोटल मिलाकर देखोगे तो पांच दस साल का इफेक्ट सेम ही आएगा क्योंकि अमाउंट तो सेम ही है

इनकम टैक्स कहता है भैया ये खर्चा तो अलाउ ही नहीं है ये तो डिसअलाउड है क्योंकि आपने रीच ऑफ लॉ है लॉ तोड़ने पर पेनल्टी आपको अलाउ नहीं होगी अकाउंटिंग में पेनल्टी अलाउड हो जाती है खर्चे के रूप में दिस विल बी टी डी परमानेंट डिफरेंस और ये कभी भी रिवर्स होने वाला नहीं रिकॉगनेशन टैक्स एक्सपेंस फॉर द पीरियड comprising current tax and deferred tax should be included in determination of net profit or loss for the period तो इस साल के profit में हम क्या लिखेंगे tax expense जो लिखेंगे उसमें दो चीजें होंगी एक तो current tax current tax क्या है income tax के हिसाब से tax tax as per income tax act और deferred tax क्या है timing difference की वजह से जो टैक्स का डिफरेंस तो करंट टैक्स प्लस माइनस डिफर टैक्स होगा तो वो टैक्स एक्सपेंस आएगा और टैक्स एक्सपेंस हमारा कहां पर आएगा accounting में तो के पीएनएल में जो हम लिखेंगे एक्सपेंस उसे क्या बोलेंगे टैक्स एक्सपेंस और उसके अंदर क्या आएगा करंट टैक्स जो इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स है प्लस टाइमिंग Because difference, which we defer tax code. Taxes on income are considered to be an expense incurred by the enterprise in earning income and are accrued in the same period as the revenue and expenses which they relate. Such matching may result into timing difference. The tax effect of timing difference are included in tax expense in the statement of P&L and deferred tax asset or liability in the balance sheet. का ध्यान में रखो जब तक वो सर्टेन ना हो तो ये कह रखा डेफर टेक्स असेट आप तभी मानेंगे जब सर्टेन है कि आगे वो रियलाइज हो जाए this reasonable level of certainty would normally be achieved by examining the past record of the enterprises by making a realistic estimate of the profit of the future when an enterprise has an unabsorbed depreciation or carry forward losses under tax law deferred tax asset should be recognized only to the extent that is virtually certainly supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax asset can be realized matlab kya hai अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लॉस होता है इनकम टैक्स में वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सेट ऑफ हो सकता है आठ सालों तक आने वाले सालों में मान लिया आपका इस साल का लॉस है इनकम टैक्स में तो आप कह रहे जी वो तो आगे जाके सेट ऑफ हो जाएगा मान लिया हर साल ही लॉस आ रहा है और आगे जाके प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो वो तो सेट ऑफ ही नहीं हो पाएगा तो रीजनेबल सर्टेन हो आप प्रूफ करें हाँ भैया आगे जा करके प्रॉफिट होने की उम्मीद है और ये सेट ऑफ हो जाएगा तभी उसे हम डेफर्ड में ले नहीं तो ना ले क्योंकि अगर वो नहीं है तो वो परमानेंट डिफरेंस है और परमानेंट डिफरेंस को टैक्स में हम नहीं लेते। मेजरमेंट करंट टैक्स शुड बी मेजर जो हमने इनकम टैक्स अथॉरिटी को देना है टैक्स लॉ डेफर टैक्स लाइविलिटी हम जो लेंगे वो बैलेंस डेट पर देखेंगे

आप ये नहीं कहें कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल वो नहीं निकालनी जैसे ए एस नाइनटीन में आप प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम रेंटल का निकाल रहे थे वो सारा काम नहीं डिफरेंस इन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स प्रॉफिट एज वी नो प्रॉफिट एज शोन इन डिफर फ्रॉम कैलकुलेटेड एज इनकम टैक्स तो उसके रीजन दो हैं एक टाइमिंग और एक परमानेंस ना टाइमिंग डिफरेंस में जनरली क्या आता है डेप्रिसिएशन का रेट डेप्रिसिएशन का मेथड कोई एक्सपेंसेस पी एंड एल में अलाउड है ड्यू बेसिस पर टैक्सेशन में टाइम बेसिस पर देखो आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं ना तो उसमें कुछ खर्चे पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं सेक्शन 43 बी में जैसे कि आप गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं कोई पेनल्टी या कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं तो या इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह है बैंक से रिकॉग्नाइज बैंक से लिया तो वो पेमेंट बेसिस पर अलाउड होता है ऐसे आपने देखा था अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोनस की पेमेंट करते हैं तो एक्चुअल पेमेंट होता है तभी अलाउड होता कस्टम है कोई है कोई टैक्सेशन तो जब गवर्नमेंट को दे देते हैं तभी वो अलाउड होता पेमेंट बेसिस तो अकाउंटिंग में ड्यू बेसिस पर अलाउड है इनकम टैक्स में पेमेंट बेसिस पे एक दो साल में वो फर्क आ जाता है तो वो टाइमिंग डिफरेंस रहता है ठीक है तो परमानेंट डिफरेंस क्या है जो रिवर्स नहीं होता है है ना दीस डिफरेंसेस ओरिजिनेट इन वन पीरियड एंड डू नॉट रिवर्स सबसीक्वेंटली इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस ऑलवेज रिमेन एंड इट इज ऑफ द परमानेंट नेचर फॉर एग्जांपल कोई खर्चा हमने पीएनएल में अकाउंटिंग में डाला लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि अलाउ नहीं है ना या हमने कोई इनकम पीएनएल में अपने पी एंड एल में अकाउंटिंग के पी एंड एल में कोई इनकम क्रेडिट में लिखी लेकिन इनकम टैक्स कहता है ये एग्जम्प्ट इनकम है ना तो एग्जम्प्ट इनकम है तो पी एंड एल में तो कभी टैक्सेबल होगी नहीं लेकिन अकाउंटिंग में हम इनकम में लिख रहे हैं। तो वो तो परमानेंट डिफरेंस हो गया ना अब एक ही डिफर टैक्स लायबिलिटी क्या है और डिफर टैक्स एसेट क्या है तो डिफर टैक्स लायबिलिटी ये क्या है

जो है एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दिशिएशन अंडर द इनकम टैक्स क्या है हायर दिस वुड लीड ए हायर टैक्सेबल इनकम इन द फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी की हमें टैक्सेबल इनकम फ्यूचर में ज्यादा आएगी क्योंकि तो क्या हुआ मान लिया जो इनकम टैक्स है और अकाउंटिंग है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारा जो डेप्रीशिएशन है वो ज्यादा है मान लिया अकाउंट में डिप्रीशिएशन है और इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिशिएशन है ठीक है तो यहां लिखा है डेप्रिशिएशन क्लेम अंडर द इनकम टैक्स लॉ से ज्यादा है कहाँ पर अकाउंटिंग में इन इनिशियल ईयर हायर देन द डेप्रीशिएशन जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है दिस विल लीड ए हायर टैक्सेबल इनकम इन द फ्यूचर अब अगर हम ये बोलें कि इसको रिवर्स कर दें यहाँ पर चालीस हजार यहाँ पचास यहाँ पर क्या होगा फ्यूचर में डेप्रीशिएशन कम होगा तो ये टाइमिंग डिफरेंस हो गया हमेशा रिवर्स हो जाएगा तो हमारा इफेक्ट क्या आता है डिफर टैक्स लाइबिलिटी क्या है मालिया अकाउंटिंग के हिसाब से जो टैक्स और इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स बैठता है उन दोनों में डिफरेंस है अभी तो आएगा लाइबिलिटी असेट तो हमारा याद करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम कब लिखते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कब लिखते हैं जब पेमेंट कम है और अभी फ्यूचर में देना है। होता है। तो अगर मान लिया यहां पर टैक्स पचास हजार है यहां पर अकाउंटिंग के हिसाब से अस्सी हजार है हम क्या कहेंगे इनकम टैक्स पचास हजार है टैक्स तो अकाउंटिंग में टैक्स ज्यादा क्यों है क्योंकि यहां पर डेप्रीशिएशन कम है यहाँ डेप्रीशन दो लाख है यहाँ पर डेप्रीशन तो डेप्रीशन कम है अकाउंटिंग में और डेप्रीशन हमारा आ, कम होने की वजह से फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएगा तो कहने का मतलब है रिवर्स हो जाएगा आपको इतना ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसी का मैंने तो बस एक बता बताया कि यहां पर हमारा अस्सी हजार आ रहा है तो कैसे ब्रेकअप यही अगर चालीस हजार आ रहा है तो कैसे ब्रेकअप होगा ये पचास हजार है होना चाहिए चालीस हजार तो माइनस दस हजार करना पड़ेगा ना बाकी चालीस हजार बनाए तो हम क्या ये लेस करते हैं याद करो प्रीपेड एक्सपेंसेस पी के डेबिट में प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसिस तो डेफिट टैक्स असेट हो जाएगा तो डेफिट टैक्स असेट टाइमिंग डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल टाइमिंग डिफरेंस इज क्रिएटेड between the reporting amount and tax base of the liability for estimated expenses for tax purpose jo hamara those estimated expenses are not deductible until a future year to hum koi estimate karte hain kharcha hai na yaad karo accounting prudence pe chalti hai estimated kharche provision for bad debts ho gaye कोई अंदाजे वाले खर्चे हम फालतू में लिख लेते लेकिन वो income tax में तभी आएगा जब actual में वो खर्चा होगा एडवांस में नहीं तो यहाँ पर हमने अकाउंटिंग में एक्स्ट्रा एक्सपेंस लिखे हैं प्रॉफिट कम हो गया ना टैक्स भी कम हो गया तो अकाउंटिंग का टैक्स चालीस हजार है और एक्चुअल में इनकम टैक्स का पचास हजार है तो हम इसे क्या लिखते हैं टैक्स हमारा पचास हजार है इनकम टैक्स और अकाउंटिंग में कितना है प्लस माइनस करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा

तो डेफर टैक्स टाइमिंग डिफरेंस की वजह से उसको समझते हैं कैसे कैसे आएगा अकाउंटिंग इनकम इज इन एक्सेस ऑफ टैक्सेबलिंग देखो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है ना तो टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम इज मोर वेर टैक्स इज लेस एज पर द इनकम टैक्स लो क्रिएट डेफर टैक्स लाइबिलिटी बाय क्रेडिटिंग टू टैक्स एंड डेबिट टू पी एंड अकाउंट अब ये क्या है इसे समझो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है पीजीपीपी और अकाउंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये मान लिया तीस परसेंट है पीजीपीपी क्या कह रहा है एक बीस ये क्या कह रहा है ठीक है तो हमें खर्चे को एक्चुअल में खर्चा तो एक बी सी है तो गवर्नमेंट को पेमेंट कितना करोगे आप एक बीस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट क्या करोगे एक बीस लेकिन आप पी एंड एल में खर्चा कितना लिखना चाहते हो पचास तो तीस हजार क्या लिखोगे प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब डेफर टैक्स लाइव तो ये लिखा है डिफर टैक्स लाइबिलिटी है ना तो हम कैसे एंट्री इसकी बनाएंगे हमने एक तो ये बना दिया पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है लग गई सर लेकिन पी एंड एल में हमने लिखना कितना है यहाँ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाएंगे ना तीस हजार ना तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है टैक्सेबल प्रॉफिट से है ना ड्यू टू तो टाइमिंग डिफरेंस ये तो तय है टाइमिंग डिफरेंस ही है ना तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है और ज्यादा कब होगा क्या कह सकते हो आप ज्यादा कब होगा जब जब हमारा खर्चा कम होगा तो या तो कहो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है या कहो खर्चा कम है ना? एक बात याद रखनी है आप क्योंकि फिर बार बार हम ये बात कैलकुलेट करेंगे लिखेंगे तो आप परेशानी में। तो आपको कैसे याद रखना ऐसे याद रखो खर्चा कम है अकाउंटिंग में खर्चा कम है तो उसे ठीक करने के प्लस आउटस्टैंडिंग ओल लिखना है ऐसा मान लो कि खर्चा कम है तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी प्रॉफिट ज्यादा है अकाउंटिंग में तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी है और अकाउंटिंग इनकम कम है तो डेफर टैक्स असेट आएगा रिवर्स हो जाएगा ना तो टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम इज लेस वे टैक्स इज मोर तो क्रिएट डिफर टैक्स असेट तो कैसे बनाओगे पी जी पी पी अकाउंट यहां पर अकाउंटिंग इनकम कम है यहां पर टैक्स कम है अस्सी हजार है पी एंडल तो में तो अस्सी आएगा ना लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स अब भे का बनना है यहां क्या आएगा डिफर्ट टैक्स में आया तो हम लोग क्या कह सकते हैं एंड वाइसी वर्षा तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है टैक्सेबल बोल सकते टैक्स क्या होगा ये कह सकते एक्सपेंसेस इन अकाउंट मोर देन इज इनकम टैक्स है ना इनकम इन अकाउंट इज लेस देन इनकम टैक्स में डिफॉल्ट टैक्स तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखिये खर्चा कम है अकाउंटिंग मेंस देन टैक्स या इनकम मोर देन Context, ये आपको थोड़ा दिमाग में हमेशा के लिए सेव तो यहां पर हमारा डेफर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी होगा बस इतना सा पकड़ लो तो सारी चीजें अपने आप रिवर्स हो गई अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है डेफॉर्ट टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है डेफॉर्ट टैक्स देर इज ए इनकम एज पर इनकम टैक्स बट लॉस एज पर अकाउंट तो इसका मतलब अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है का मतलब ये टैक्स अकाउंटिंग में प्रॉफिट है लेकिन इनकम टैक्स में लॉस है 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 ना तो क्या अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है तो डेफिट टैक्स लाइबिलिटी लेकिन यहाँ मैट वगैरह की बात भी होती है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वगैरह की है तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे मतलब बहुत सारी चीजें आगे भी कवर होने स्टेशन नंबर वन डेप्रीशियशन अकाउंटिंग में दो लाख है और इनकम टैक्स में पांच लाख इसका मतलब अकाउंटिंग में डेप्रीशिएशन कम है प्रॉफिट ज्यादा है प्रॉफिट ज्यादा है अकाउंटिंग में देखो ये शुरुआत में गड़बड़ कर रही अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है तो उसमें क्या होता है अभी अभी क्या बोला था? DTL बोला था? था आपने। की बात है मुझे सुनाई तो होगी। अब देखो क्या होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंटिंग में जिस साल होते हैं उसी साल पी एन एल में डाल देते हैं और इनकम टैक्स में धीरे धीरे राइट ऑफ होते हैं। तो ये भी टाइमिंग डिफरेंस ना? तो अब इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है ये खर्चा इनकम टैक्स में कम है और एकाउंटिंग में ज़्यादा है क्योंकि एकाउंटिंग में लिख दिया वहां पर अभी लिखा नहीं तो कुल मिलाकर अकाउंटिंग में हमने दो लाख रुपए लिखा यहां एप्रीशिएशन और इनकम टैक्स में हमने लिखा लाख, ना? और जो अनोटाइज एक्सपेंसेस है ना एक तरीके से ये मानो कि हमने इनकम टैक्स में नहीं लिखा लेकिन अकाउंटिंग में लिख दिया ऐसा मान लो तो यहाँ पर दो तीस का खर्चा आ गया यहाँ पांच लाख का आ गया तो दोनों के बीच में दो लाख सत्तर हजार का फर्क आएगा है ना पचास परसेंट का टैक्स रेट है एक लाख पैंतीस हजार रुपए का फर्क है ठीक है अकाउंटिंग में प्रॉफिट ज्यादा है क्योंकि खर्चा कम है एज अकाउंटिंग प्रॉफिट मोर देन इनकम टैक्स प्रॉफिट डेफर टैक्स लाइबिलिटी विल बी क्रिएटेड फॉर वन लैख थर्टी फाइव अब चाहे से आप अलग अलग कैलकुलेट करें चाहे एक साथ कैलकुलेट करें एक लाख पैंतीस हजार रुपए आएगा फाइनल फिगर ठीक है क्वेश्चन नंबर वन डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग में चार लाख है और टैक्सेशन में दस लाख अगेन अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है इनकम टैक्स के प्रॉफिट से ना क्योंकि तो कम है ज्यादा है अगेन वही बात हो गई छह लाख रुपए का फर्क आ गया तीस हजार रुपए का फर्क कम हो गया तो टोटल पांच लाख सत्तर हजार का पचास परसेंट ,00, दो लाख पिचासी हजार टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी टीम जैसा अभी अभी हमने बात करी थी है ना देर इज एडुकुट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशियंटली कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा हाउ मच डेफर टैक्स लाइबिलिटी शुड बी रिकॉगनाइज अगर हमारा टैक्स रेट इतना है पचास परसेंट तो दो लाख पिचासी सरअस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को थर्टी फर्स्ट मार्च को क्लोज कर रहा है हैव अक्रूड फाइव लैक टूअर्ड द जी एस टी लाइवलिटी इन मार्च बाई डेबिटिंग टू पी एंड एल अकाउंट पेमेंट कब हुई है अप्रैल में so, इसने इक्कीस बाईस में ड्यू बेसिस पर जीएसटी एक्सपेंस लिख दिया है कहां पर अकाउंटिंग है ना लेकिन एज पर द सेक्शन फोर्टी थ्री बी ऑफ इनकम टैक्स ये बाईस तेईस का एक्सपेंस ठीक है अब दोनों के बीच में पांच लाख रुपए है ना तो अकाउंटिंग में हम लोगों ने खर्चा ज्यादा लिखा तो प्रॉफिट कम हो गया अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम इसका मतलब है टैक्स असेट तीस परसेंट के हिसाब से तो पांच लाख का तीस परसेंट कितना होता है एक लाख पचास हजार डेफर टैक्स असेट बनानी पड़ेगी ठीक है तो डेफर टैक्स असेट बनेगी पांच लाख का तीस तो क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस है प्लेस्टेशन नंबर थ्री कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लॉस है दो लाख रुपए का ना और अगले दो सालों में प्रॉफिट है एक लाख और एक बीस का

तो अब हमें बताना है कि क्या होगा तो जो लॉस है वो कितना है दो लाख रुपए का है पहले साल में ठीक है ना तो दो लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना चालीस परसेंट अस्सी हजार रुपए का फर्क आएगा दोनों के बीच में अगले साल अगले साल जो प्रॉफिट है हमारे अकाउंटिंग में प्रॉफिट कितना होगा देखो करंट ईयर में एक एक करके ईयर लेता हूं अकाउंट में इनकम बीस इक्कीस अकाउंटिंग कह रहा है दो लाख का लॉस इनकम टैक्स कह रहा कोई नहीं है कैरी फॉरवर्ड। ऑन इक्कीस में अकाउंटिंग कह रहा है एक लाख का प्रॉफिट है ना इनकम टैक्स कह रहा है कुछ नहीं क्योंकि तो एक लाख के प्रॉफिट से पिछले साल जो दो लाख का लॉस है वो सेट ऑफ हो जाए बाईस तेईस में अकाउंटिंग कह रहा है एक लाख बीस हजार रुपए का प्रॉफिट है इनकम टैक्स कह रहा है कि एक बीस में से एक लाख ,00 का जो बचा हुआ है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बीस हजार रुपए का तो फर्क आ रहा है अकाउंटिंग में प्रॉफिट कम है तो रेफर टैक्स असेट बनेगा दो लाख ,00 का चालीस परसेंट हजार अगले साल प्रॉफिट ज्यादा है ना? तो डेफ टैक्स लाइवलिटी कितना चालीस हजार असल में वो टैक्स असेट रिवर्स हो जाएगा मतलब आप डेफ टैक्स लाइविटी बनाइए या टैक्स असेट को रिवर्स करिए बात एक ही दोनों चीजें एक साथ बैलेंस शीट में नहीं रह सकती आप बैलेंस शीट में ये नहीं कह सकते डिफर्ट टैक्स लाइवलिटी है चालीस हजार की डिफर टैक्स असेट है अस्सी हजार की ऐसा नहीं कर सकते अब इसको ही कम करेंगे ताकि ये खत्म नहीं हो जाए और अगले साल फिर एक लाख रुपए का फर्क है उस पर चालीस लाइबिलिटी चालीस हजार असल में ये दो अस्सी करके जीरो हो जाएगी तो पहले साल हमारा अस्सी हजार रुपए का डिफरेंस है टाइमिंग और फिर वो रिवर्स हो रहा है चालीस हजार फिर रिवर्स हो रहा है चालीस ठीक है तो हमारा जो है हर साल जो इफेक्ट आ रहा है वो किस तरीके से आएगा अब अकाउंटिंग अकाउंटिंग में पी ए, बोला है कि आप पीएनएल बताओ है ना अकाउंटिंग में आप क्या करोगे अकाउंटिंग में आप जब पीएनएल बनाओगे वहां क्या लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दो लाख माइनस है ना और फिर आप उसमें डिफर टैक्स असेट बना दोगे अस्सी हजार की ठीक है तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा हजार। फिर ये में होगा अब इक्कीस बाईस में आप क्या करोगे अकाउंटिंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक लाख है ना और फिर उसमें डिफर टैक्स लाइवलिटी क्रिएट कर दोगे आप वो जो डिफर टैक्स असेट था उसे रिवर्स करोगे असल में उसे रिवर्स करोगे तो चालीस हजार ये जो चालीस हजार रिवर्स करोगे साठ हजार बैठेगा और फिर बाईस तेईस में आपका प्रॉफिट एक बीस है ना? तो एक लाख बीस हजार है इसके ऊपर आपका जो रिवर्स हो रहा है वो चालीस हजार हो रहा है और टैक्स इस साल का तो है ही तो कहने का मतलब यह है कि हमारा को रिवर्स करना पड़ेगा पिछले ना एक लाख बीस हजार के ऊपर कितना पड़ता है चालीस परसेंट अड़तालीस हजार बैठता है ना तो अड़तालीस हजार में कैसे दिखाओगे आप अड़तालीस हजार में अड़तालीस हजार तो दिखाओगे ही दिखाओगे लेकिन उसमें डिफर्टैक्स लाइबिलिटी कितना है चालीस तो क्या दिखाओगे चालीस हजार डिफर्टैक्स लाइबिलिटी और आठ हजार करंट इधर दिखाओगे कोई दिखा रख तो बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास और इसमें कुछ बैलेंस बना रहे अदरवाइज नेक्स्ट इसकी क्लास बहुत छोटी हो जाएगी और ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना ना इलेस्ट्रेशन थ्री तक किया इसमें यही है इस ए एस में टाइमिंग डिफरेंस डेफरटेक्स अट डिफर टैक्स लाइबिलिटी यही है एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही करना